पहली गेंद कुणाल तैयार, पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। अभय बसा जानबूझ के इस गेंद को छोड़ते हुए यहां पे अंत में बल्ला को चलाया था, लेकिन अभय जानते हैं कि वाइट हो गई है गेंद। फास्ट लीगल डिलीवरी। चलिए, बहुत सारे लोग खोज रहे थे कि सौरभ फ्रॉम रामपुर हाट वो खेलेंगे कि नहीं इस टूर्नामेंट, वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट फील्डिंग टीम के लिए, पिकू 11 के लिए। सामने अभय, अभय प्रसाद, ये इनका क्लास है। इस शॉट में CLASS क्लास लिखा हुआ था, फ्रॉम ईच टेम्पररी क्लास इज परमानेंट, एंड दैट्स कॉल्ड अभय प्रसाद, इट्स अ बाउंड्री। कप्तान का रोल बहुत बड़ा रहेगा इस मैच में। फुल टॉस डिलीवरी, अभय प्रसाद, ये तगड़ा शॉट है, ये तगड़ा शॉट है भैया। हवा हवाई चार की हुंकार लगाई अभय प्रसाद, बट हर बॉल को जज करना जरूरी है। अभय प्रसाद बिल्कुल, सौरभ बैनर्जी कुछ कहते हुए, कुछ समझाते हुए, कुछ बातचीत करते हुए साइड को पैक कर दिए पूरी तरह से। फुल टॉस डिलीवरी, जितना मर्जी हो सके फील्डर रख लीजिए, और दशरथ मांझी ने प्यार के चक्कर में पहाड़ तोड़ दिया था, अब चौका नहीं मार पाएंगे, तो चौका मारते हुए अभय प्रसाद फील्डिंग पर बाउंड्री। सामने अभय प्रसाद, दुर्गापुर का ये सिकंदर, आत्मनिर्भर अभय। 79 यॉर्क का डिलीवरी अभय, लॉन्ग क्रिकेट में जिस तरह से कृष्णा सातपुते फॉलिंग स्वीप लगाते हैं, ये शॉर्ट हैंड में फॉलिंग स्वीप लगाते हैं। पहली पांच गेंद, पांच गेंद से 13 रन, कुणाल नो बॉल की संकेत आई है, नो बॉल के साथ चौका अभय प्रसाद। बिल्कुल रिव्यू अवेलेबल है, अगर रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप रिव्यू ले सकते हैं, रिव्यू अवेलेबल है। पोर्टफोलियो स्पेशल थैंक यू। सेकेंड ओवर शांतनु गेंद के साथ, 87 किलोमीटर पर आवर। सुकांत झिंकू मन बना लिया था रिवर्स खेलेंगे, लेकिन यहां पर शांतनु डोमिनेट करते हुए पहली गेंद डॉट बॉल। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद यहां पे, राइजिंग डिलीवरी, पढ़ नहीं पाई इस गेंद को, दो गेंद दो डॉट बॉल। वेट 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 वेट, लाइन खुले चाहिए, चलिए झिंकू अब खाता खोलते हुए। तो पहली दो गेंद से बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे, गेंद को समझ नहीं पाए थे, लेकिन समय बीता है, थोड़ा सा समय वहां पर ब्रेक हुआ था, अब झिंकू मोमेंटम को अपने तरफ खींचते हुए। शानदार गेंद, फिर एक बार सोमनाथ डॉट बॉल। सेकेंड ओवर के खेल प्रगति पर ऑलरेडी चार गेंद, चार गेंदों से सिर्फ एक चौका।
85 kilometers per hour. बिल्कुल कमाल की फील्डिंग यहाँ पर। बीमल 77 किलोमीटर। लेकिन सोमनाथ इस गेंदबाज को अब मैच से दूर नहीं रख सकते हैं। यंग टैलेंटेड खिलाड़ी, सिर्फ डॉट बॉल नहीं, इस मैच में अपनी टीम को वापसी कराया है सोमनाथ ने। दो ओवर के बाद 21 रन, 21, 18 गेंद और 18 गेंदों में जीतने के लिए यहां 48 रन, 48 फ्रॉम 18। सो मोनू आए हैं यहां पे गेंद के साथ। 85 गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, फुल टॉस को दिशा दिखाया गेंदबाज का, उस दिशा को बिगाड़ा है, दिशा को और दशा को दुर्दशा कर दिया है यहां पर बल्लेबाज अभय ने। पहली गेंद चार रन, चौका ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं अभय प्रसाद। 88 की बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा एक रन। ये बड़ा मैच, इस तरह के मैचेस में व्हाइट बॉल नो बॉल में हमेशा कहता हूं ये क्राइम है, क्राइम। व्हाइट बॉल नो बॉल आप डाल नहीं सकते हैं इस तरह के बड़े मैच में। सामने फिर एक बार आत्मनिर्भर अभय, मोनू माइंड गेम खेलते हुए साइड को चेंज करते हुए। और एक शानदार गेंद यहाँ पे। तो रणनीति गेम प्लान साफ है, एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मोनू। लेकिन अब भाई एक कदम आगे चलना चाहेंगे। 87 लेकिन चनाव परिस्थिति और मुश्किल हो रही है। लगातार दो गेंद, दो डॉट बॉल, गजब की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। फर्स्ट इनिंग्स में बोधू सुमित, लेकिन अब सेकंड इनिंग्स में वो गेंदबाज। एक टीम तब जाकर टीम बनती है जब सब साथ में खेलते हैं, यूनिटी दिखाई देती है तब टीम बनती है। तो यूनिटी 85 हेलीकॉप्टर निकाला है, चलिए स्टैंड एंड डिलीवर। दर्द किसके खेमे में है। 87 अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, रिकवरी देखी है, बैकअप देखी है। क्रिकेट यही तो क्रिकेट का मूल मंत्र है, अगर आप जिंदगी में साथ निभाना सीख जाएं तो आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे। तो सेम फुल टॉस रियल इजी है। नवदीप का ये लड़का मानो नवदीप का ये लड़का आज दीवार बन के खड़ा हुआ है वहां पे सीलिंग पॉइंट के क्षेत्र पर। डॉट बॉल टिप भी निकाले थे ये। पहली गेंद व्हाइट बॉल, 12 में चाहिए 38, 78 from 12. 77 kilometers. Once again, required 100 और बढ़ेगी यहां से। बिमल सिंह, सोमनाथ यंग खिलाड़ी अपने आप को पूरी तरह से निछावर करते हुए इस मैच में। खराब गेंद है, बिल्कुल बोधू प्रयास तो कर रहे थे लेकिन इस गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि रफ्तार थी। और बोधू सौरभ बैनर्जी और बोधू दोनों ही राइटी बल्लेबाजी।
77 kilometers. Saurabh Banerjee, बैट करने का मौका नहीं मिला है, ना ही बॉल करने का मौका मिला है, लेकिन सौरभ कह रहे हैं मैं टीम में हूं तो मैं फील्डिंग में भैया कंट्रीब्यूट करूंगा। और सेल्फलेस खिलाड़ी, खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन सेल्फलेस खिलाड़ी ना कुछ कम ही होते हैं, और ये सेल्फलेस खिलाड़ी हैं सौरभ। 84 किलोमीटर्स और एक लीजिए। अब यहां से मैच पूरी तरह से छोटा होता हुआ 8-34, यहां से अब आपको कुछ मैजिक चाहिए, कुछ मैजिक चाहिए, बिना मैजिक का ये मैच आप जीत नहीं सकते हैं। सुमित सेन, मैंने पहले ही जिक्र किया था कप्तानी कैप्टेंसी, और एक अच्छी गेंद और एक डॉट। बोलिए ले सी ये फील्डिंग यहां पर देखिए, मानो भैया उस तालाब में जिस तरह से मछली गोता लगाती है ना, चलिए बाउंड्री आई है, लेकिन अब 6 बॉल में चाहिए 30 रन, लेकिन मुकाबला का रिजल्ट तो अब यहां से पूरी तरह से क्लियर है, फील्डिंग टीम बहुत आगे है 6-30। 60 kilometers per hour, चलिए पहली गेंद यहां पर, और एक डॉट बॉल चली है यहां पर, क्रिकेट खेल रहे हैं अपने बीच में। सो स्पोर्ट्समैन स्पीड हम देख रहे हैं, लेकिन सुमित देखिए, सुमित क्यों कहता हूं ये कप्तान है, सुमित अभी भी कह रहे हैं मैच हो गई है खत्म, लेकिन नेक्स्ट मैच में आपको बॉलिंग करना है तो प्रॉपर गेंदबाजी करिए। चलिए इसी के साथ ये मुकाबला को जीता है यहाँ पे टीम पीकू 11, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग एंड ए ग्रेट कैप्टेंसी बाय द मॉडर्न डे मास्टर सुमित सेन।